चलो तो आप ये बात ध्यान रखनी है आपने कि अगर आप अभी स्टेट की तरफ ओरिएंटेड है तो प्लीज रिमेन ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टेट फॉर 2023। एक बार आप स्टेट का एग्जाम अच्छे से दे लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन मूव टू आईएएस आल्सो लेटर ऑन। लेकिन अभी कई बच्चे मैंने देखे हैं वो मिक्स कर देते हैं, तैयारी कर रहे हैं हमारे पास पीसीएस की और पेपर दे रहे हैं आईएएस का। अब क्या सोच रहे हो कि पीसीएस की तैयारी करने से आईएएस का पेपर थोड़ी क्लियर हो जाएगा? अगर आप पीसीएस की तैयारी छोड़ के साथ में आईएएस की करने लग जाओगे, वही बुक्स पढ़ने लग जाओगे, तो ना ये होगा क्योंकि उतनी तैयारी हो नहीं पाएगी और ना ये हो पाएगा फिर, बिकॉज उस चीज़ के लिए वो तैयारी है नहीं, है ना? तो इम्पोर्टेंट हमें समझना है कि हमें बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। अब आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस एसएस की लक्ष्मीकांत लेके बैठे हो, तो काम खराब है ना। और फिर आप सोच रहे हो कि क्लास हमारी आप पॉलिटी की स्टेट की लगाओगे और पढ़ोगे लक्ष्मीकांत घर जाके, और साथ में आप सोच लोगे कि हाँ चलो ये क्लास लगा ली, साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, इसकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं होता। तो वंस यू अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी, अडॉप्ट फुली, अगर हम कहते हैं इसके साथ आपको हमारे लेक्चर के साथ ये पढ़ना है तो वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टेट की बात है ये, है ना? तो ये ध्यान रखना बस। आप स्टेट की तरफ ओरिएंटेड हो तो स्टेट की तरफ लगे रहो, तीन तीन चार चार अपॉर्चुनिटीज आपके पास 2023 में, तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, आप क्वेश्चन पूछते रहना कोई भी, अगर आपने किसी ने क्वेश्चन पूछना है कोई, नेक्स्ट थिंग इन अवर दिस डिस्कशन ऑन स्ट्रेटजी इज कि आपके जो सेक्शंस हैं, जैसे आपके जनरल स्टडीज के सेक्शंस हैं, आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन इकोनॉमी हो गया, देन साइंस हो गया, बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर आपका एनवायरनमेंट हो गया, ये सेक्शन आपके सारे आइदर इन प्री और इन प्री प्लस मेंस, ये सेक्शंस वो हैं, ठीक है ना? ध्यान से लिख लेना अपने पास आपने। ओके एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे साइंस बुक का नहीं किया, पढ़ा तो ज्यादा नहीं किया, तो कुछ है ऐसा कि उसको गवर्नमेंट की सर्विस से कर रहे हैं, नहीं कुछ पर्टिकुलर फील्ड आप सिक्स, आप एक बार 6 to 10th एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, आप 6 to 10th एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, फिर हमारे से मिलो। लेकिन अड़गम पड़गम पढ़ने नहीं लग जाना, अगर आलतू फालतू वीडियो नहीं देखने लग जाना, हम आपको तरीका बता देंगे। हाँ तरीका बता देंगे आपको हम, और बहुत आसानी से कवर हो जाएगी वो। हाँ एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल पे मीडियम पंजाबी का है ना, ओके। तो उसमें जैसे कई टर्म समझ नहीं आ रहे थे जैसे पढ़ते साइंस के, अदर सब्जेक्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? बेटा ये तो जैसे करना, साइंस ये तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर, मेंटेन करना पड़ेगा आपको कि जैसे जैसे वर्ड आते जाएं उसको आप पंजाबी में करते जाएं। और एक बात ध्यान रखिए, एक बात बहुत ध्यान रखिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर अगर आप सपोज पंजाबी मीडियम भी रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ सारी इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, हाँ कोई बात नहीं, आप करो थोड़ा सा, इतने को बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं होते, 200-300 वर्ड बार बार वही रिपीट करते हैं। सही बात है, सही। कोई बात नहीं, आप कीप ऑन मेंटेन अ रजिस्टर, उसमें आप डिक्शनरी टाइप अपनी बना लो एक, और जैसे ही कोई वर्ड आता है उस पर लिखते जाओ बस, हार्डली विल टेक अ मंथ और टू, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ो आप। क्योंकि जब भी समय कोई मैं मॉक टेस्ट देती हूँ कुछ भी देती हूँ तो मैं ये दिक्कत आती है। हाँ कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको टेक्निक, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और स्टेट के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, स्टेट ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे पीसीएस एचएस एचएस का पेपर अगर आप देखो पिछले उठा के, तो साइंस के बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, वही लेंसेज पे, वही ब्लड टाइप्स पे आ जाता है, इस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वो हम देख लेंगे आगे, ठीक है? जी सर। तो अब इसमें देखिए जो सेक्शंस हैं, ये जो चार सेक्शंस हैं ये आपके मेजर सेक्शंस गिने जाते हैं, इसको मेजर सेक्शन बोल रहे हैं हम। और जो बाकी सेक्शंस हैं ये स्मॉलर सेक्शंस में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक हैं उसमें आ जाता है आपका गवर्नेंस, गवर्नेंस, उसके बाद आ गया आपका सोशल इश्यूज, उसके बाद आ गया आपका एथिक्स, उसके बाद आपका आ गया आईआर,
उसके बाद आ गया आपका सिक्योरिटी। ये आपके मेंस ओनली सेक्शन है जिनके क्वेश्चन सिर्फ मेंस में मेनली आते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर, जब हम ये चार मेजर सेक्शंस कराते हैं तो ये हम एक्सक्लूसिव कराते हैं, क्योंकि ये आपका 70 to 75% पेपर इनमें से आता है, राइट। ये चार सेक्शंस जो है एक्सक्लूसिव कराते हैं, मतलब ये चार सेक्शन जब पॉलिटी कराएंगे तो स्टेट की अलग है, आईएएस की अलग है। अगर हम हिस्ट्री कराएंगे तो स्टेट की अलग है, आईएएस की अलग है। अगर हम ज्योग्राफी कराएंगे स्टेट की अलग है, आईएएस की अलग है। लेकिन जो छोटे सेक्शंस हैं ये बेसिकली आईएएस और हम स्टेट के इकट्ठे करा देते हैं, बिकॉज आईएएस में भी इसमें सपोज आईआर है, आईआर में वी गिव अराउंड 40 आवर्स। आईएएस में हम आपको जैसे आईएएस में भी इसमें 30-35-40 घंटे देते हैं, तो उससे कम तो क्या दें, छोटा सेक्शन है तो आईएएस में भी वही कवर हो जाता है और क्वेश्चन भी सिमिलर से आते हैं। डेफिनेटली टफनेस लेवल आईएएस में ज्यादा होता है, लेकिन इससे स्टेट का पर्पस भी हल हो जाता है, बिकॉज क्लासेस एक्चुअल में वही होती हैं। रीजन बीइंग कि 35-40 आवर्स की हम क्लास लेते हैं, एंड 35-40 आवर्स के अंदर मतलब इससे कम हो नहीं सकता कि स्टेट के मैं 20 घंटे में करा दूंगे, दैट विल बी इनजस्टिस। सारे टॉपिक तो कवर करने ही पड़ते हैं, राइट। तो ये सेक्शंस आपको कोई डिसएडवांटेज ना लगे, तो ये सेक्शंस हम आईएएस के क्लासेस वाले ही कराते हैं आपको, सेम टीचर पढ़ाएगा और सेम चीज़ें होंगी और लेकिन जो मेजर सेक्शंस हैं वो उसमें बहुत स्ट्रेटजी में डिफरेंस है। सपोज इफ आई कवर पॉलिटी हेयर इन स्टेट और पॉलिटी में करता हूँ आईएएस में, बहुत डिफरेंट है। अब पॉलिटी अगर मैं स्टेट में करूँ तो इट विल टेक अराउंड 40-45 आवर्स, अगर मैं आईएएस में करूँ इट विल टेक 120-130 आवर्स। और टफनेस लेवल विल बी मच मच हायर, डेप्थ विल बी मच मच हायर, तो हम वो लेके चलते नहीं, तो इसको हम एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी आपकी चलती है। तो अभी जो हम बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे आपके स्ट्रेटजी सेशन चल रहे हैं ये, तो हम वीकेंड पे वी विल स्टार्ट विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वीकेंड पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे सारे लेक्चर, आज शाम तक आ जाएंगे या कल सुबह तक आ जाएंगे सारे लेक्चर। और वीकडेज पे आपका हम शिफ्ट कर रहे हैं आईआर, जो आईआर चल रहा है वीकेंड पे वो वीकडेज पे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, और वीकेंड पे आईआर हो जाएगा। तो आईआर और ये दो सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, एनवायरमेंट एंड आईआर। देन वी विल मूव टू अ मेजर सेक्शन, हम मेजर सेक्शन मूव। तब तक आप जो सपोज ये चार हैं इनकी अराउंड 10 से 12 एनसीईआरटी होती हैं, 12 के एनसीईआरटी हैं प्लस वन प्लस टू की, ये आप जरूर पढ़ें प्लीज। एनश्योर दैट विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स आप ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, है ना। आपके ग्रुप में मैं आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भी भेज दूंगा एनसीईआरटी की, सर्कल करके कि ये एनसीईआरटी आपने पढ़नी है। तो आप इन सेक्शंस के पैरेलल अलॉन्ग विद एनवायरमेंट एंड आईआर आप अपनी एनसीईआरटी जो हैं ये सब्जेक्ट्स की पढ़ते रहें, उससे आपका यू विल फॉर्म अ साउंड बेस। अगर आपने पढ़ चुके हो एनसीईआरटी, जो बची हुई हैं वो पढ़नी है, इनकेस यू हैव ऑलरेडी रेड द एनसीईआरटी यू कैन ऑलवेज रीड दोज विच यू हैव लेफ्ट, और यू कैन देन कंसंट्रेट ऑन दीज टू सेक्शंस ओनली सो दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली, है ना। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका विद इन 6 मंथ्स आप फ्रॉम स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिलिम का भी और मेंस का भी आप काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे, राइट। तो ये सारे आपके सिलेबस के डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे स्टेट के अंदर अब जैसे मैं बता रहा था आपको कि इंग्लिश होता है, मैथ होता है, सॉरी इंग्लिश और लैंग्वेज होती है। सिमिलरली स्टेट में आप देखें कि एचसीएस में भी और पीसीएस में भी देर आर क्वेश्चंस ऑन स्टैटिस्टिक्स, मेंस में 15-20 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आता है जो आईएएस में नहीं आता, है ना। स्टैट के क्वेश्चन आते हैं ये, यू मे बी सरप्राइज, एक टाइम पे आते होते थे आईएएस में जब हम तैयारी करते थे, तो मेंस में देर यूज टू बी ए सेक्शन इन पेपर टू जिसमें स्टैट के 2 क्वेश्चन आते होते थे, तो लेकिन हाँ मीन मीडियन मोड थोड़ा मुश्किल भी आते थे कई बार, जैसे हरियाणा में अच्छा पेपर आता है स्टेट का, पंजाब में भी अच्छा आता है, और वहाँ पे फिर ये आईएएस जो सिविल सर्विसेज की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दे आर एट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट कि क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है। वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट देन यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर स्टेट ऑल्सो, बिकॉज यू आर नॉट डिवोटिंग दैट मच टाइम ऑन दीज फोर्स। जो आईएएस वाले बच्चे हैं उनके तो ये 4 सेक्शन करने में जान निकल जाती है, यही नहीं खत्म होते, तो स्टैट कहाँ से करेंगे, इंग्लिश कहाँ से करेंगे, लैंग्वेज कहाँ से करेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एडवांटेज, अगर आप स्टेट में ओरिएंटेड है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एडवांटेज कि मेरे को एडवांटेज कहाँ मिलेगा। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो फिर स्टेट की तैयारी करना बेकार है। अब आपको पता है कि मेरे ये डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं जो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, तो देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दोज एडवांटेजेस,
है ना, उन एडवांटेजेस पे आपको कंसंट्रेट करना है और साथ साथ में उसकी तैयारी करनी है. ओके, दिस इज द फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ पार्ट इज टेस्ट सीरीज. अब देखो, टेस्ट सीरीज ऑफ स्टेट एंड आईएएस इज एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट. अब हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हम कर रहे हैं फॉर स्टेट पीसीएस, एचसीएस और एचएएस के लिए. अलग अलग है टेस्ट सीरीज, आप तीनों में से एक भी चूज कर सकते हो. एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज की भी है जिसमें सारे टेस्ट, इसके ओरिएंटेड टेस्ट भी हैं, इसके ओरिएंटेड टेस्ट भी हैं, इसके ओरिएंटेड टेस्ट भी हैं, है ना. तो आइदर यू कैन चूज अ सेपरेट टेस्ट सीरीज पीसीएस. इफ यू आर सपोज फोकसिंग पीसीएस देन बेटर टू चूज पीसीएस. अगर आप एचएएस फोकस कर रहे हैं तो उसको चूज करें, एचएएस फोकस कर रहे हैं तो उसको चूज करें. तो ये तीनों टेस्ट सीरीज वी आर स्टार्टिंग विद फ्रॉम 3rd of December. 3rd December से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब जिन बच्चों की ऑलरेडी कुछ मेजर सेक्शन हो चुके हैं, यू हैव कवर्ड पॉलिटी, यू हैव कवर्ड हिस्ट्री, यू हैव कवर्ड ज्योग्राफी, यू गो टू द, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप पे, तो तीनों शेयर करूंगा, पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी, एचसीएस भी, एचएएस भी. तो यू विच एवर एग्जाम इज योर प्रेफरेंस, यू ओपन दैट टेस्ट सीरीज एंड सी द शेड्यूल, राइट. आप अपना शेड्यूल देखें. अब जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनको ये टेस्ट सीरीज में भी देने की अभी जरूरत नहीं है, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. उनकी टेस्ट सीरीज हम अराउंड 3 months लेटर स्टार्ट करेंगे. सपोज यू आर स्टार्टिंग विद अस नाउ, सपोज नितिका इज देयर, जशनदीप इज देयर, ना आपने अभी स्टार्ट किया ना जशनदीप? यस सर. हाँ, मतलब ये है कि आपने, हो सकता है कुछ बच्चों ने इकोनॉमी करी हो, है ना. बाकी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पूरा कंप्लीट भी हो चुका है, कि 4 major sections हो चुके हैं, सिर्फ उनका ये छोटे वाले सेक्शन ही रहते हैं. तो मैं ये आपसे एक बात करूंगा कि अगर सपोज आपने पहले तैयारी करी हुई है कभी, तब देने में हर्ज नहीं है कोई. लेकिन अभी अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो वी विल गाइड यू कि कब आपको ये टेस्ट स्टार्ट करने हैं. तब तक जो वीकली टेस्ट होते हैं उसी पे कंसंट्रेट करना है आपको, जो वीकली हम टेस्ट लेते हैं आपके. सर एक क्वेश्चन था. हाँ जी सर. अभी जैसे तो कुछ देर से रिवीजन नहीं किया है, पिछले वीक और 2 years, तो सर आराम से मतलब पहले रिवीजन करके फिर टेस्ट सीरीज दे सकता हूं ना, मतलब आपकी क्या राय है? मैं इसमें आपको अलग से लेक्चर लूंगा अब, कि आपको अगर टेस्ट सीरीज देनी है मैं आपसे सबके नाम लूंगा कौन कौन 3rd December से स्टार्ट कर रहा है, हर बंदे की तैयारी देख के, ठीक है. नाउ सपोज यू सम पीपल से कि यस दीज आर 10 persons हु विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd December, तो मैं आप लोगों के लिए फिर अलग लेक्चर लूंगा कि आप अगर 3rd December से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना. तो अभी मैसेज भी आएगा व्हाट्सएप पे, वी विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि यू हैव टू फोकस योर सेल्फ, यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जीज, यू हैव टू फोकस योर एनर्जीज ऑन द एग्जाम इटसेल्फ, है ना. आपको अब टाइम आ गया है ये, एंड ये बेसिकली अब आपको नेक्स्ट 6 months अपने आप के साथ यू हैव टू वेरी डिसिप्लिन्ड, राइट. तो यही टेस्ट सीरीज जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं दे विल बी स्टार्टिंग प्रोबेबली फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, राइट. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी प्लान्ड वे. ओके, ये एक बात क्लियर होगी टेस्ट सीरीज की आपको, ठीक है. ये आपको सेक्शंस जैसे क्लियर हो गए, राइट. नाउ अब देखिए, अब आप एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखनी है, नंबर 6, नोट्स. देखिए, यू आर अटेंडिंग क्लास लेक्चर्स, लेक्चर आप लगा रहे हो, ट्राई की लेक्चर के साथ साथ बिल्कुल आपने अगर ऑनलाइन लगा रहे हो तो यू हैव टू अटेंड द लेक्चर इन सच अ वे एज इफ यू आर अटेंडिंग अ ऑफलाइन लेक्चर. यू हैव टू राइट विद प्रॉपर कॉपी एंड पेन, है ना, पूरा लिखना है आपने, और देर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस वाइल यू अटेंडिंग द क्लास. ऐसा नहीं है कि कोई कमरे में आ रहा है, कोई जा रहा है, या आप कभी उठ के जा रहे हैं बीच में से, कभी अटेंड जस्ट एज इफ यू आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास, ठीक है. अब जो रजिस्टर आप क्लास में बुलाएंगे तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उसके एक मार्जिन छोड़ें यहाँ पे और यहाँ लिखें, ठीक है. अब जो ये रजिस्टर आपका बन गया, जो ये रजिस्टर बनता जाएगा आपका, ये आपके बेस नोट्स बन जाएंगे. जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, साथ में आपके नोट्स भी बन रहे हैं. क्योंकि सारे देखो सिविल सर्विसेज में वंस पीपल आर प्रिपेयरिंग हु आर डूइंग समथिंग, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या मतलब देर आर नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यू डोंट हैव टाइम कि पहले आप लेक्चर सुनो फिर आप जीरो से नोट्स बनाओ घर बैठ के. इट्स नॉट लाइक दैट, देन व्हाई यू आर कमिंग टू अस,
ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि क्लास में जब आप बैठे हैं तो आप जब क्लास का लेक्चर खत्म हो देन यू हैव सम बेस नोट्स विद यू, है ना। बेस नोट्स आपने बना लिए, आप घर जाके उसके साथ जो हमारे पास ऑनलाइन के अंदर अटैच्ड हैं नोट्स, लेक्चर हर लेक्चर के साथ आपको नोट्स अटैच मिलेंगे, हर लेक्चर के साथ कुछ कुछ रिसोर्सेज होंगे विकिपीडिया के ऊपर, तो उसको पढ़ के आपने जो भी एक्स्ट्रा आप कुछ आपको मिलता है तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। या कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, कोई बुक रेकमेंडेड है, कोई नोट्स रेकमेंडेड हैं, साथ में पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ कुछ भी करंट अफेयर्स रिलेटेड आ गया तब भी आपको रेलिवेंट जगह पे यहीं लिखना है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज दैट वंस यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम देन यू शुड हैव सम सेंट्रलाइज्ड नोट्स विद यू फ्रॉम विच यू विल रिवाइज एंड अपीयर इन द एग्जाम। एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो वंस यू हैव सम सेंट्रलाइज्ड नोट्स विद यू यू हैव अर्ज टू रिवाइज देम, यू हैव टू अर्ज टू रीड देम बिकॉज यू एक्चुअली यू हैव मेड देम, ठीक है ना। तो जो ये रजिस्टर आपका बनेगा, सपोज आई टेक एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना। अब हर लेक्चर के साथ हमारी पीडीएफ भी होती है, लगी लेक्चर पीडीएफ होती है, उसको डाउनलोड करके उसमें से आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो आप। मोर देन सफिशिएंट रहेगा, हमारे नोट्स जो अटैच्ड हैं प्लस पीडीएफ प्लस लेक्चर, इसके अलावा और करंट अफेयर्स तो है ही, उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ 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 रेफर टू टेक्स्ट इन अ वेरी माइजर वे। आप कहीं चीज़ों को मिक्स ना करें, आईएएस और अगर आप पीसीएस और स्टेट को मिक्स करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तकलीफ में आएंगे। अगर कोई इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह उठा के बैठ जाएगा तो उसने प्रॉब्लम में आना ही आना है, क्योंकि हम जब क्लास में लेक्चर लेंगे तो हम उसका लेवल उतना ही रखेंगे जितना स्टेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप रमेश सिंह उठाओगे वहाँ आईएएस के लेवल का डिस्कशन है, आप कहोगे जी क्लास में तो कम कराया, भाई हम कराएंगे स्टेट के हिसाब से, दैट इज़ फॉर व्हाट यू हैव कम, नहीं तो फिर आईएएस की क्लास में बैठ जाओ भाई। आईएएस में इकोनॉमी कराएंगे तो हम 130 घंटे ही कराएंगे, स्टेट में करा रहे हैं तो अराउंड वही 40 आवर्स। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको स्टेट की तैयारी करनी है। ये मुझे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस, बिकॉज यू आर लिविंग इन सच एन एनवायरनमेंट वेयर क्लैरिटी इज नॉट देयर, पीपल कीप ऑन कंफ्यूजिंग यू। कुछ को आपको कुछ समझदार लोग कह देंगे ओ नहीं स्टेट में तो सारे आईएएस वाले होते हैं, पीसीएस में सारे आईएएस वाले होते हैं, एचएएस में सारे आईएएस वाले होते हैं। तो अगर ऐसा कोई कहता है उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, आई विल गिव हिम डाटा कि देखो हमारे ये पिछले 20 साल में ये सिलेक्शन हैं और इन लोगों ने सिर्फ स्टेट की तैयारी करी और इन्होंने सिर्फ आईएएस की भी करी है। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम, ओके। तो आपने ये बेस नोट्स बना लिए और साथ में ये ऐड कर लिया तो आपके सेंट्रलाइज नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको, अब दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन लिख लीजिए ये। अब स्टेप नंबर टू क्या होगा आपका? हाँ जी नहीं, वो दे आर डिफरेंट। देखो वेब नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो सारा डिटेल में नोट्स हैं, और जो पीडीएफ है वो लेक्चर की पीडीएफ है, जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग है वो, सिर्फ नोट्स में उससे एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं होता कभी भी कि लेक्चर में सारा कुछ वही पढ़ाया जाए जो नोट्स में हो, नोट्स में डेफिनेटली देर आर सर्टन एक्स्ट्रा थिंग्स जो हम सोचते हैं कि आपको पता होनी चाहिए लेकिन हम लेक्चर में नहीं कराएंगे। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देखना है आपने, और उसको जो वेब नोट्स को उनको पढ़ के मोटे मोटे पॉइंट्स आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं। दैट इज व्हाट इज योर टास्क वंस यू लिसन टू द लेक्चर, कि आप दो घंटे का लेक्चर सुन रहे हो तो कम से कम चार पाँच घंटे घर में पढ़ रहे हो आप, पाँच छः घंटे, ठीक है ना। तो वो जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ोगे? यही तो पढ़ोगे, जो लेक्चर के साथ वेब नोट्स अटैच है वो पढ़ोगे, या जो हम प्रिंटेड बुकलेट आपको देंगे वो पढ़ोगे आप, साथ में कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया ऑनलाइन वेब पे, हमने मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख रखे हैं हमने, तो वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो यही काम होता है, जितना मेहनत करोगे देखो उतना ही अच्छा, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा, उतने ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ही आपको मेमोराइजेशन ज़्यादा होगी, है ना। तो सेकंड स्टेप पे आपने नोट्स बना लिए, सेकंड स्टेप पे आती है रिवीजन। ये दिस इज द कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू। जैसे हमने एनवायरनमेंट खत्म करा दिया आपकी, है ना, सपोज एनवायरनमेंट हमने खत्म कराया आपका, अब उसके बाद सपोज हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया, तो 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, देख एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं बिल्कुल और पॉलिटी करने लग गए। अब आप सोचो कि आफ्टर 3 मंथ्स पॉलिटी कर ली, फिर आपने हिस्ट्री कर ली, फिर ज्योग्राफी कर ली,
आपको जो पीछे एनवायरनमेंट है जो आपने पहले किया था वो कुछ भी याद नहीं रहेगा उसका, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको उसका, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको उसका। तो ये चीज को रिमूव करना, ये नॉर्मली बच्चों के साथ होता है। पॉलिटी कर ली, आगे हिस्ट्री कर ली, फिर ज्योग्राफी कर ली, तो पॉलिटी भूल गई। भाई अगर आप ऐसे भूलते जाओगे सारा तो फिर वो तैयारी करने का फायदा क्या। इसके लिए हमने एक बेसिक स्ट्रेटजी सुजेस्ट करी है और बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे आई कैन अश्योर यू दैट सक्सेस इज योर्स। और ये आप पहले नहीं होंगे, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव यूज दिस स्ट्रेटजी एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल, बट इट रिक्वायर्स अ क्लैरिटी, इट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन। अब आप सेकेंड स्टेप पे रिविजन चलेगी आपकी, जो आपने ये रजिस्टर बनाया है। सपोज पॉलिटी के बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉरी एनवायरमेंट के बाद स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। सपोज अब पॉलिटी हमने स्टार्ट करी, अब द मोमेंट हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो आप हम आपको 2 ही घंटे का लेक्चर देंगे, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे बिकॉज उतना ही आपको पढ़ना है, स्टेट का मतलब ही यही है। उसके बाद आप 4 घंटे घर में लगाते हैं तो 6 घंटे हो गए, इसके अंदर आप 1 घंटा और ऐड करोगे। 1 घंटा जो आपने ये रजिस्टर बनाया है इसको डेली आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे, आप देखोगे कि अपने रजिस्टर में आपको लूपहोल्स दिखते जाएंगे। कुछ कुछ आप जब लेक्चर लगा रहे थे तब आप छोड़ते जा रहे थे कुछ चीज़ें, और कुछ करंट में चीज़ें आई जा रही थी। तो जैसे जैसे आप इसको रिवाइज यहाँ करोगे वैसे वैसे ये नोट्स भी एनरिच होते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, और आपको याद भी होते जाएंगे। ठीक है ना, पॉलिटी के साथ नेक्स्ट सेक्शन जो भी हम करेंगे उसके साथ साथ ये रिवाइज करोगे आप। अच्छा, जब आप ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा आपका तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा कम कर दोगे टाइम, मे बी 15 मिनट्स। रजिस्टर सामने रखोगे, कभी हफ्ते में एक बार रिवाइज मार लिया, ऐसे होता है, ऐसा नहीं है रोज ही 15 मिनट लगा रहे हैं, है ना। और लेकिन फिर इसको पकड़ लोगे, इस सेक्शन को, इस पे घंटा लगाओगे। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपके सारे सेक्शंस रिवाइज भी होते जाएंगे एंड यू विल बी इन टच विद ऑल दो सेक्शंस। उन सेक्शंस के आप टच में भी रहोगे और वो सेक्शंस आपके पक्के होते जाएंगे। आप टेस्ट पेपर देने के लिए, मॉक पेपर देने के लिए, हमारी टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार होते जाओगे। नहीं तो आप सोचिए, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले पॉलिटी करा दी, फिर मैंने 4 महीने बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी सपोज, तो और पहला टेस्ट पॉलिटी का है, आपको उस वक्त पॉलिटी का कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ याद ही नहीं आएगा पॉलिटी का कि हाँ यार मैंने कुछ करा भी था। तो फिर आपको जीरो से एक तरह से रिवाइज करने वाली बात आ जाएगी, कुछ कुछ बीच याद आएंगी चीज़ें, कुछ कुछ भूल जाएंगे, है ना। तो ये आपका है कि आपको 3 बातें याद रखनी है हमारे साथ पढ़ते हुए, नोट्स बन रहे हैं आपके, देन रिविजन एंड देन अपग्रेडेशन। ये आपके 3 पैरेलल प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए, तभी आप स्टेट के लेवल पे आप सक्सेस ले सकते हो। एंड यू हैव ज्वाइंड अ प्री कम मेंस बैच, तो मेंस के सारे सेक्शन भी हम आपको पहले करा देंगे एंड यू विल हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर अदर्स। आपके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा दूसरों के ऊपर बिकॉज आप मेंस की सेक्शंस भी आप पहले करके बैठे हो, और जनरली प्री के बाद मेंस की में जो टाइम गैप होता है स्टेट लेवल पे बहुत कम दिया जाता है, 1.5-2 महीने से, 2 महीने से ज़्यादा तो कभी होता ही नहीं है, है ना, 2 महीने मैक्सिमम आपको मिलते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम। आप मानोगे नहीं, PCS का पीछे एग्जाम हुआ, प्रिलिम हुआ, जब रिजल्ट आया प्रिलिम का उसके 18 दिन बाद उन्होंने मेंस करा दिया। ऐसा अनप्रडिक्टेबिलिटी हमेशा रहती ही है और एडिक्वेट टाइम कई बार मेंस के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए हमारा एंडेवर ये रहेगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, दिस बैच इज मेंट फॉर सीरियस स्टूडेंट्स ओनली, जो हु मीन बिजनेस, हु वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, कि उनके मेंस के सेक्शन भी, जो मोटे मोटे मेंस के सेक्शन हैं जो जो कवर पहले किए जा सकते हैं, उनको हम एटलीस्ट आपके पहले कवर करा दें। जैसे गवर्नेंस हो गया आपका, छोटा सा सेक्शन है, 35-40 घंटे लगते हैं सारे, है ना, और ये एनवायरनमेंट हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ें हम पहले कवर करा सकते हैं, है ना। तो सो दैट कि आप, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, और थोड़ा झटके में करा देते हैं तो उससे कवर भी हो जाती है चीज़, नहीं तो ये चीज़ें रहती जाती हैं। और प्री के बाद टाइम होता ही 2 घंटे, 2 महीने हैं, 2 महीने में आप क्या मेंस कर लोगे तैयार। फिर वही होता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, कोई सेक्शन छूट ही गया, उसका तुक्का मार के लिख के आ रहे हैं, फिर सक्सेस नहीं आती। कोई इनवेरेबली अगर आप इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर देखें, वो प्री के बाद ही तैयार होता है, पहले कोई तैयार नहीं कर पाता। तो इससे बेटर है कि GS हम प्री कम मेंस से पहले तैयार करके रख लें, है ना। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रेटजी विच यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल स्टडिंग विद अस, ठीक है ना।
और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एनसीईआरटी आपने जरूर पढ़नी है, अपनी एनसीईआरटी अपनी पैरेलल रखो, एक घंटा जब तक ये एनवायरनमेंट और साइंस एंड ये आईआर चल रहा है, आप एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे एनसीईआरटी के लिए जरूर रखो अलॉन्ग विद रिविजन ऑफ द ऑन गोइंग क्लास, वो जरूर रखनी है आपने, ठीक है। अब एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क। नहीं नहीं जैसे एनवायरनमेंट की कोई एनसीईआरटी नहीं है छोड़ दो उसको, हम करा देंगे सारा, ठीक है। आईआर की कोई एनसीईआरटी नहीं है छोड़ दो एक मिनट के लिए, आईआर की है वैसे एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है वो हम प्लस टू की पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं वो मैं नहीं चाहता आप पढ़ो, वो हम करा देंगे। आप बेसिकली पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी ये चार एनसीईआरटी सेक्शन की पढ़ो बस, हमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी में काम करना ना, तो वो उसका बेस बन गया आप हमारे को बहुत अच्छा हो जाएगा। वो मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा शाम तक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है, सारे क्वेश्चन पूछेंगे भाई। हाँ जी बोलो जसनदीप। कौन से वाला? नहीं नहीं आईआर, हाँ आईआर को 1 मंथ नहीं लगेगा, कम लगेगा। आईआर को 1 मंथ क्यों लगेगा, मैं आईआर को आप लगा लीजिए 20 दिन लगते हैं मुश्किल से, 20 लेक्चर और तीन चार हो भी चुके हैं। हाँ, नहीं आप ज़्यादा पढ़ो, चाहे 6 से 7 पढ़ो 8 पढ़ो कमी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ेंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो पढ़ेंगे ना, लेकिन आईएएस की तैयारी नहीं करने लग जाएंगे। मतलब गलती क्या होती है कि मेरे पास टाइम है, राइट, इशू क्या होता है कि मेरे पास टाइम है, आई एम फ्री, माई प्रेफरेंस इज पी सी एस सपोज, तो मैं क्या करूँगा इनवेरेबली कि यार मेरे पास टाइम है मैंने पढ़ना है, और मैं फिर वो पी सी एस की तैयारी छोड़ के सारा मटेरियल आईएएस का पकड़ लूँगा, वहाँ गलती हो जाएगी बस, फिर वो ना आप आईएएस के रहोगे ना पी सी एस के रहोगे, क्योंकि वो मटेरियल आपसे पढ़ा जाएगा नहीं पूरा, आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस में रहोगे और हमेशा आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मटेरियल पीसीएस वाला पकड़ना है आपने, हमारा नोट्स पीसीएस वाले पढ़ने हैं। अगर हमने कह दिया कि यार ये बुक नहीं पढ़ने की जरूरत, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने, तो नहीं पढ़नी। ये नहीं सोचना कि चल सर तो एमिंग हमारे के लिए कह रहे थे पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये काम नहीं करना आपको, ये काम बिल्कुल नहीं करना। हाँ ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर इससे अच्छा कि वही जो आपको मैटर हमने दिया है या जो लेक्चर हमने दिया उसको बार बार रिवाइज करो, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास टाइम है आप 6 घंटे लगा सकते हो, आप 8 लगा सकते हो, आप 10 लगा सकते हो, उसको अच्छे से करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका मटेरियल भी अपग्रेड होता जाएगा, आपको अपनी वीकनेस भी पता लगती रहेंगी, आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा, और हमने कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रख रखे हैं अभी पीडिया पे, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। नहीं नहीं आप अभी रिविजन शुरू कर दो, 3 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट करना। हाँ अभी नहीं टेस्ट देने, ऐसे फायदा नहीं को टेस्ट दे के अभी, ऐसे टेस्ट आप दोगे एक सीरीज के अंडर, है ना, और भी होने चाहिए ना बच्चे सारे इकट्ठे टेस्ट दें तो बेटर रहता है ना। हाँ तो पता कंपैरिजन पता लगता है कि हाँ बाकियों ने क्या परफॉर्म किया, मैंने क्या परफॉर्म किया, फिर हम एनालिसिस करते हैं टेस्ट का कि हाँ आपकी कहाँ कमी रही, तो वो एक बच्चे के लिए नहीं किया जा सकता ना। तो अभी आप रिविजन पर ध्यान दो, अपग्रेडेशन पर ध्यान दो, एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स द टेस्ट सीरीज, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? सी सेट की क्लासेस तो हमारी चल रही हैं, एक तो बैच हमारा चल रहा है, एक हमारा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आपका नाम क्या है? द्रौपदी। अच्छा द्रौपदी, मैं आई विल आस्क मुनेश मैडम टू कॉल यू, आपसे बात कर लेंगे वो रिगार्डिंग सी सेट।
ऑनलाइन में तो देखो लेक्चर हमने डाले भी हुए हैं शायद मेरे ख्याल उस कोर्स में, नहीं वो अलग बैच है, सी सेट का अलग बैच है, हाँ अलग बैच है वो, हाँ सी सेट का अलग बैच है वो आपको कॉल कर लेंगे, आपको बता देंगे, समझा देंगे सारा, है ना। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, कुछ और बात आपको करनी है? लेकिन डिसिप्लिन हो जाओ आप, बिल्कुल आप समझ लो कि अब बिल्कुल लास्ट वक्त है और अब हमें तैयारी फोकस करनी है। आपने मे बी 4 महीने पहले स्टार्ट करी हो, 5 महीने पहले स्टार्ट करी हो, एग्जाम नहीं आया तो थोड़ा मोमेंटो लूज पड़ जाता है कि यार कर लिया है लेकिन अब जब तक एग्जाम नहीं आएगा तो नेचुरली हो ही जाता है वो, है ना, नेचुरल सा है कि यू समटाइम्स रिलैक्स एंड यू समटाइम्स बिकम केयरलेस कि अभी आया नहीं एग्जाम, जब आएंगे तो फिर रिवाइज करेंगे। अब उठा लो अपनी किताबें, इवन इफ़ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द होल जनरल स्टडीज, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनका पीछे से चल रहा है और वो कवर कर चुके हैं। तो लेकिन अब दिस इज द राइट टाइम टू अगेन पिक अप बुक्स, स्टार्ट रिविजन, ओरिएंट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, है ना, और अपना उसी हिसाब से सारी प्लानिंग बनाएं। हाय हाय ऋषभ, ये नया ही है। देखो सिविल सर्विस में हमेशा ऐसे होता है कि वेन एवर न्यू सेक्शन स्टार्ट्स, अ न्यू बैच स्टार्ट्स। सिविल सर्विस ऐसी चीज नहीं है कि हम हर महीने हर 15 दिन बाद नया बैच स्टार्ट करें, इट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज वेरी हाई एंड टीचर्स आर टीचिंग यू एंड दे कैन नॉट डू लाइक दिस कि हर बार ही नया बैच करा रहे हैं ना। तो इसमें हमेशा ऐसा रहता है, साइक्लिकल पे चलता है स्टेट का बैच, जैसे नया सेक्शन स्टार्ट होता है हम नए बच्चे अटेंड उसमें इंड्यूस कर देते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है आपको, आगे अपने आप आ जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको सेक्शन प्रेफरेबली कवर करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कुछ भी पुरानी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अदरवाइज ऑटोमेटिकली साइकिल में आगे सारा कुछ सब कुछ आ जाएगा, हम सब कुछ लाइव कराएंगे आपको। हाँ आप अगर आपके पास टाइम है, आप मेहनती हो, आप चाहते हो कि मैं एक सेक्शन कवर कर लूँ, देन यू टॉक टू अस कि सर मैं कौन सा सेक्शन इनमें से कर लूँ, मैं हम आपको बताएंगे कि बेटा ये वाला कर लो ये बेटर रहेगा। लेकिन ऐसे आर्बिट्रेरली मत पिछले लेक्चर सुनने लग जाना, वो सब कुछ लाइव आएगा आपके लिए। बस आपने बस जब भी मैं मेरा काम क्या रहेगा आपके साथ, आई एम योर मेंटर नाउ, ठीक है। मेरा मेंटरशिप का पर्पस क्या रहेगा कि आपको मैं ट्रैक पे रखूं, आपके तैयारी के दौरान कोई भी स्ट्रेटजी रिलेटेड इशू आता है, कोई भी आपको टेंशन आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, और ओकेजनली मैं आपके साथ ऐसे जूम पे स्ट्रेटजी का सेशन करता रहूंगा, ठीक है, सो दैट यू आर ऑन ट्रैक। लेकिन बस एक बात ध्यान रखो, मैं भेजूंगा आपको व्हाट्सएप मैसेज जैसे कल भेजा था, आपको अपना मैसेज जरूर चेक करना है। आपको मेरे लेक्चर के लिए कोई फोन नहीं आएगा, आपको बस चाहे वो रात को 9 बजे करूं मैं, चाहे शाम को 7 बजे करूं मैं, देख के सबसे बात करके मतलब वो आपको उस वक्त मेरे पास आधे घंटे के लिए मेरे साथ आना। आई विल मोटिवेट यू, आई विल गिव यू सम टिप्स ऑन स्ट्रेटजी, तो आप इससे ट्रैक पे रहोगे और आप डाइवर्ट नहीं होगे, हाँ बेनिफिशियल रहेगा, उससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, आपको ऑफलाइन की कमी महसूस नहीं होगी, यू विल ऑलवेज फील कि देर इज समबडी अलॉन्ग विद यू, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन मी एंड थिंक दैट आई एम प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद यू। और कोई भी आपको पढ़ते हुए टेंशन आए, दस आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो, इस नंबर पे भेज दो जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 9501111421। कुछ नहीं समझ आ रहा क्लास में, आपको किसी सेक्शन से डर लगता है, आपको नहीं आपके नोट्स बन पा रहे, आपको टेंशन हो रही है, आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आपका, कभी ऐसे लगे आपको, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना। हाँ तो अभी आप अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान रखो, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास अब होगी आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी, वहां पे वो होगी एनवायरनमेंट की, दैट विल बी ऑन सैटरडे एट 3 PM। सैटरडे से बिल्कुल आपका बैच रेगुलर चल पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि बस जो स्टेट की क्लास है, जो स्टेट की क्लास है वो कुछ सेक्शन हम आईएएस के साथ कॉमन कराएंगे, जो छोटे वाले हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया, फिर कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन किया तो वो हम सेक्शन आईएएस के साथ कॉमन कराएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हम छोटे कराते हैं आईएएस में भी, उससे छोटे नहीं कराए जा सकते, तो बेटर है कि उसी लेवल का आपको कराया जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। और प्री नहीं नहीं अरे क्या बात कर रहे हो, मेंस में जैसे अब आईआर है, अब मेंस में 2 क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए किताबें पढ़ते फिरोगे? जितना हमने कराया उसमें से आ जाना है, लिखाना है पेपर में। हाँ आपको सिर्फ लेक्चर और पीडीएफ, बस 2 चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना, वो भी ज़्यादा है, मेरा बस चले उसको भी कम कर दूँ मैं, लेकिन ना बच्चे मानते हैं ना टीचर मानता है। मेरा बस चले मैं आधे लेक्चर कर दूँ उसका, मैं आधे भी नोट्स कर दूँगी यार, इतना ही पढ़ने से पेपर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है तो आईआर ख़त्म, अब एनवायरनमेंट पे आ जाओ। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन प्री में आते हैं 2-3-4, जैसे आईएएस में तो एनवायरनमेंट के बहुत आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पीसीएस के अंदर, एचसीएस के अंदर, एचएएस के अंदर एनवायरनमेंट पे 3 या 4 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं, और मेंस में भी 3-4 क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उतना ही करना है, एनवायरनमेंट भी जो हम आपको करा रहे हैं, जो क्लास का लेक्चर है, साथ में हर लेक्चर के पीडीएफ होगी और क्लास में टीचर डिक्टेट करेगा, और साथ में जो वेबिनार लगे हैं जिस लेक्चर के आपने वही पढ़ना है बस एनवायरनमेंट के लिए। प्लीज 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 डोंट डू एनी बुक। आप ये मत सोच लेना आप कि शंकर राहुल उठा के बैठ जाऊं किताब में, क्योंकि आईएएस वाले वो पढ़ते हैं, आपने वो किताब उठा ली देन यू आर नथिंग बट कमिटिंग सुसाइड, इंटेलेक्चुअल सुसाइड कमिट कर रहे हो आप, प्रिपरेशन सुसाइड कर रहे हो आप, क्योंकि आप उसमें लग जाओगे, वो आपका 2 महीने खा जाएगी किताब, पल्ले कुछ पढ़ना नहीं है आपके। तो एनवायरनमेंट का भी हम पूरा सामान आपको दे रहे हैं जो स्टेट लेवल के लिए चाहिए, लेक्चर दे रहे हैं, साथ में जो पीडीएफ लगी हुई है वो करनी है, इसी 2 पे चीजें खत्म हो जाती हैं अल्टीमेटली। तो साथ में वेबनोट लगा दिए तो बात ही खत्म, आपने करंट अफेयर के साथ अपडेट कर दिया फिर बिल्कुल ही बहुत बेस्ट हो गया, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली फिर तो मार नहीं सकता आपको कोई, यही स्टेप्स हैं बस। अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो, आप कोई लेक्चर सुन ले, लिख ले, पीडीएफ खोल के भी ना देखे तो हम क्या कर लेंगे उसका? भाई पीडीएफ खोल के देख ली उसके बाद नोट्स ना देखे हम क्या कर लेंगे? करंट अफेयर पढ़ नहीं रहा रोज, कितना टाइम लगता है? आधा घंटा में लगता है, बहुत फोकस्ड करंट अफेयर्स है। तो ये काम तो करने पड़ेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर हो जाओ और अगले 6 महीने अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन रखना है, और डिसिप्लिन रख के आपने तैयारी करनी है अपने आप को, ठीक है ना? तो अभी 29 अक्टूबर से एचसीएस का मेंस है, मैं उसमें ज़्यादा बिजी हूँ, तो थोड़ा सा 29 अक्टूबर के बाद फ्री हो जाएंगे तो आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन होगी मेरी, 29 अक्टूबर तक थोड़ी कम इंटरेक्शन होगी। व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल हूँ मैं, एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेटजी, बुक्स, मटेरियल, नोट्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है जी? हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच, चलें फिर एंड विल मीट अगेन। हाँ जी थैंक यू, तो 3 बजे मिलेंगे हम ऑन बट उसे सैटरडे।